राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की बाड़ेबंदी में जाने वाली बीटीपी के दोनों विधायकों को नोटिस जारी किया। बीटीपी पार्टी ने 15 दिन के अंदर सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद डिंडोर और 84 विधायक राजकुमार रोत से नोटिस का जवाब मांगा है। इसके बाद दोनों विधायकों के खिलाफ पार्टी की ओर से गाइडलाइन तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। बीटीपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी की ओर से विहिप जारी किया गया था, जिसमें दोनों ही विधायकों को किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन नहीं करने के लिए कहा गया था। ऐसे में सरकार के सामने कांकरी डूंगरी केस वापस लेने का प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने केस तो वापस नहीं लिया, लेकिन दोनों ही विधायक बिना किसी सूचना के कांग्रेस की बाड़ेबंदी में जाकर बैठ गए। तो माननीय मेरे रोज विधायक को रोज साहब को मैंने कहा था कि आप उस बाड़ेबंदी में नहीं जाएंगे, लेकिन 8 तारीख को या तारीख में हो सकता हूं चुक रहा, बिना हमारी जानकारी के आप बाड़ेबंदी में जाके क्यों बैठे, नंबर एक। दूसरा, हमने ये कहा कि अगर बाड़ेबंदी में बैठे या सीएम को मिले बिना स्टेट और राज्य कार्यकारिणी की इजाजत थे, तो आपको सीएम से लेटर निकलवाना था कि कागरी डूगरी प्रकरण इतने दिनों में हम समाधान करेंगे, तभी समर्थन की बात पर निर्णय करेंगे, लेकिन वो भी अनसुनी। उस तरह से कई इन्होंने अनदेखी की निर्देशों की सेंट्रल और स्टेट कार्यकारिणी, इसके लिए उन्होंने आज 10 मुख्य के साथ में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। जवाब आएगा, उसके बाद राष्ट्रीय और स्टेट कार्यकारिणी बैठ करके पार्टी विधान के अनुसार